हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसीज देख रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने अभी तक ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट कवर कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली बात करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। जब हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन ये वर्ड सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि कहीं ना कहीं एक मैकेनिकल बैरियर या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई रुकावट हो चुकी है। जब हम लोग इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइन के कॉइल्स की बात करते हैं तो कॉइल्स मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, बराबर। जो हमारा इंटेस्टाइन है, इट इज अ लाइक अ पाइप। अगर ये पाइप में, ठीक है, मान लो ये कोई भी पाइप है, कंसीडर कर लो, इसमें अगर कोई चीज फंस जाती है या फिर ये पाइप किंक हो जाता है, ठीक है, या फिर ये पाइप पे कहीं ना कहीं से प्रेशर आता है, ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है, या मान लो ये पाइप अगर किसी वजह से ये इसकी जो लूमेन है वो छोटी हो गई, तो होगा क्या, यहां से जो फ्लो होने वाला है, ठीक है, जो हम लोग डाइजेशन के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसका पेरिस्टाइलिसिस होते होते हमारा जो फूड हो वो हमारे एनल रीजन तक पहुंचता है और उसमें से हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे बॉडी से। तो ये जो डाइजेशन की नॉर्मल प्रोसेस है या फिर जो पेरिस्टाइलिसिस है, ये यहाँ पर रुकेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई बैरियर है। जब ये बैरियर अगर हटेगा तो ही ये नॉर्मल फ्लो हो पाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा देर तक रहा तो क्या होगा, ये जो फ्लूड या फिर जो भी कंटेंट होगा तो यहाँ पर ये अटक जाएगा, ये जम जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ से अगर ये फूड या फिर जो भी फ्लूड रहेगा वो आगे नहीं जाएगा तो ये कहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। तो सेम हमारी चीज हमारे इंटेस्टाइन में भी होती है। अगर किसी वजह से हमारे इंटेस्टाइन में या फिर इसके ल्यूमेन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा कि ये जो ल्यूमेन के प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है या सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन के प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है वो डायलेट होना स्टार्ट होगा, और ये जो इसके बाद वाला मतलब डिस्टल वाला पार्ट है जहां पे ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसके डिस्टल वाला जो पार्ट होगा वो फ्लासिड हो जाएगा, वीक हो जाएगा, या फिर जिसको हम लोग कमजोर कह सकते हैं, क्योंकि यहां से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आगे जानी चाहिए थी वो नहीं जाएगी, ठीक है। तो सिंपली अगर ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग कह रहे हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन में हम लोगों को कहीं ना कहीं बैरियर देखेगा। अब वो किसी और चीज से भी हो सकता है, कोई मैकेनिकल चीज हो सकती है या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है, कोई स्पाइनल इंजरी की वजह से हो सकता है। तो डिपेंड अपॉन द कॉज ऑफ इंजरी और अ कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देयर आर टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को समझना है कि ये जो टाइप्स दिए हैं वो किसके बेसिस पे किए हैं, उसके बाद में हम लोग इसको सेम नाम से क्यों जान रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो चार कैटेगरी में इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका इटियोपैथोलॉजी के ऊपर। इटियोपैथोलॉजी के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है दो पार्ट्स में, एक तो डायनामिक और दूसरा अडायनामिक। अगर हम लोग डायनामिक की बात करते हैं तो डायनामिक में हम लोगों को क्या मिलता है, इसका जो नॉर्मल मूवमेंट है वो एज इट इज रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ल्यूमेन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, कुछ बैरियर हुआ है, उसको हम लोग मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो पहले तो वो एग्रेसिव होती है, वीगरस होती है, और अगर ये जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है अगर ये रिलीव नहीं हुआ, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो एग्जॉस्ट और ये जो हमारी डायनामिक मूवमेंट है या फिर इंटेस्टाइन का पेरिस्टाइलिसिस जो बड़ा है, विगरस हुआ है, वो कुछ हद तक चलेगा, उसके बाद में हमारे इंटेस्टाइन थक जाएंगे और वो फिर से यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है क्या है कि जो डायनामिक सर्कुलेशन है या फिर डायनामिक हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या होगा, यहाँ पर पहले ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, पहले हाइपर पेरिस्टाइलिसिस होगा, और उसके बाद में अगर ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं होता है तो फिर जाके हमारी बॉबल मूवमेंट कम हो जाएगी। लेकिन अडायनामिक में ऐसे नहीं होता। अडायनामिक में अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से, कि पोटेशियम कम होने की वजह से हमारी बॉबल मूवमेंट कम हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो कोई स्पाइनल इंजरी हुआ है, जो हमारा नर्व सप्लाई होता है वहां पर, वो नर्व सप्लाई किसी वजह से डैमेज हो चुका है, उसकी वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो नहीं होगी। तीसरा पॉज क्या हो सकता है, यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है इस्केमिया हुआ किसी वजह से, ठीक है, इस्केमिया की वजह से भी क्या होगा, यहाँ पे बॉडी मूवमेंट नहीं होगी। तो ऐसे कुछ कॉजेस है जहाँ पे अडायनामिक में, अडायनामिक मतलब उसकी मूवमेंट को रोक रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे अडायनामिक। जहाँ पे मूवमेंट एज इट इज है, कोई मैकेनिकल कॉज होके वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उस चीज को हम लोग कहेंगे डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो डायनामिक को एक्चुअली समझने के लिए हम लोगों को इसके सब टाइप समझने पड़ेंगे। सब टाइप करते हैं हम लोग इसके, आउट ऑफ द वॉल, मतलब जो हमारी बॉवेल वॉल है, इंटेस्टाइन की वॉल है, उसके बाहर का कोई रीजन होगा,
बाहर में क्या रीजन हो सकता है, मान लो कोई हर्निया है, ठीक है, हर्निया में क्या होगा कि ये जो हमारा बॉवेल है अगर किसी सैक में फंस गया या फिर वो स्ट्रैंगुलेट हुआ तो क्या होगा, ये आउटसाइड द वॉल पैथोलॉजी, इस पे कोई हमारा इंटरनल मतलब जो हमारी वॉल है उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, वॉल के बाहर इसकी पैथोलॉजी होगी, तो हर्निया एक कॉज हुआ। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, एडिजन्स होंगे, कोई प्रीवियस सर्जरी हो गई, ठीक है, जैसे कि हम लोग गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में जैसे LSS कॉमन है, या फिर हिस्टेक्टॉमी हुआ है, अपेंडिसेक्टॉमी हुआ है, और कोई पेल्विक सर्जरी हुई है, ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा ओमेंटम है वो जो ऑपरेटिव की जगह है उसके जाके चिपक जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं ओमेंटम को हम लोग कहते हैं हमारा पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन है, जहां पे कहीं पैथोलॉजी हो रही है हमारा ओमेंटम वहां पे पहुंच जाए। तो होता क्या है कि जहां पे ये ऑपरेट हुआ है उस जगह पे या फिर उसकी पेरी फेरी में ये ओमेंटम चिपकने की यहाँ पर प्रोसेस होती है, उसको हम लोग कहते हैं एडिजन्स। अब ये जो एडिजन्स बढ़ेंगे तो होगा क्या कि जो हमारे इंटेस्टाइन है और एक जगह पे आएंगे, चिपक जाएंगे और उसकी वजह से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो ये हुआ आउट ऑफ द वॉल, ठीक है, यहाँ पे वॉल में कोई पैथोलॉजी अभी तक है नहीं। तीसरी चीज क्या हो सकती है, यहाँ पे वल्वुलस हो सकता है, मतलब ट्विस्टिंग हो सकता है, हमारे जो बॉवल्स है उसका ट्विस्टिंग हो सकता है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ऐसी पैथोलॉजी जो बॉडी वॉल के बाहर है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे सब टाइप आता है इसका, इन द वॉल मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल है, ठीक है, उसके लेयर्स में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी क्या हो सकती है, एक तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा, क्रॉन्स डिसीज, ये सबसे मेन पैथोलॉजी हो सकती है। मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में अल्सर डेवलप होंगे, अल्सर डेवलप होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रिक्चर हो सकता है, क्या हो सकता है, स्ट्रिक्चर हो सकता है, ये तीसरा कॉज हुआ। तो ऐसे कॉज जो वॉल में पैथोलॉजी क्रिएट कर, मैलिग्नेंसी हो सकती है, कोई ग्रोथ हो गई, ट्यूमर हो गया, उसकी वजह से अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वो होता है हमारी इन द वॉल। तीसरा यहाँ पे सब टाइप आता है इन द ल्यूमेन, मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है उसमें कोई पैथोलॉजी होगी। अब यहाँ पे ल्यूमेन में क्या हो सकता है, एक तो गॉल ब्लैडर में से कोई स्टोन आ गया जिसको हम लोग गॉल स्टोन कहते हैं, वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है। अगर कोई गॉल स्टोन यहाँ पे हमारे आईलियम में आके ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, हमारे जेजुनम में आके ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, तो ये जो पैथोलॉजी होती है उसको हम लोग कहते हैं इन द ल्यूमेन, मतलब हमारे ल्यूमेन में पैथोलॉजी, ये जो स्टोन है हमारे ल्यूमेन में फंसा हुआ होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इन द ल्यूमेन पैथोलॉजी। तो तीन सब टाइप हमने देखे डायनामिक के, एक तो आउट ऑफ द वॉल जिसमें हम लोगों को एडिजन्स कॉमन मिलते हैं, सेकंड टाइप में अगर हम लोग देखते हैं तो हर्निया कॉमन है, ठीक है। तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन है एडिजन्स, सेकंड मोस्ट कॉमन है हर्निया, ठीक है। वॉल्यूलस और इंटू सेसेप्शन, ये जो चीजें होंगी ये थर्ड नंबर पे आ सकती है, ठीक है। इन द डायनामिक में दूसरा क्या यहाँ पे टाइप सब टाइप है, इन द वॉल, वॉल के अंदर पैथोलॉजी होगी, एक तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्रॉन्स डिसीज हो सकता है, स्ट्रिक्चर हो सकता है, या फिर मैलिग्नेंसी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वॉल का स्ट्रक्चर एज इट इज है लेकिन ल्यूमेन में कोई चीज फंसी है, ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है इसमें, और अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कोई राउंड वर्म वो भी अगर यहाँ पे फंसते है, उसका बोलस फंस जाता है तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और वो कहाँ पे है, एग्जैक्टली हमारे बॉवल वॉल के ल्यूमेन में, ठीक है, ये बॉवल है और इसकी अगर ल्यूमेन में यहाँ पे वर्म्स फंसे है, कोई गॉल स्टोन फंसा है, तो ये पैथोलॉजी इन द ल्यूमेन वाली पैथोलॉजी, ठीक है। तो ये तीन सब टाइप है हमारे डायनामिक। अगर हम लोग अडायनामिक देखें, अडायनामिक का जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस अगर हुआ मतलब अगर पोटेशियम कम होता है हमारे बॉडी से, सीरम पोटेशियम अगर कम होगा तो बॉवल वॉल की मूवमेंट कम हो जाएगी, बॉवल की मूवमेंट कम हो जाएगी, और इसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है उसको हम लोग कहेंगे अडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरी चीज क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अब जब कोई ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट बेड रिडन है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यहाँ पर अडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, सुडो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, सुडो ऑब्स्ट्रक्शन ये भी टाइप है हमारी अडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन का। उसके बाद में और क्या चीज हो सकती है, कोई स्पाइनल इंजुरी हुए, ठीक है,
स्पाइनल इंजरी अगर हो चुकी है तो उसकी वजह से नर्व डैमेज होंगे और जो नर्व सप्लाई है वो हैम्पर्ड होने की वजह से यहाँ पे हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगा, तो वहां पे भी हम लोगों को अडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। उसके बाद में और क्या पैथोलॉजी हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा अभी तक, एक तो पोटेशियम कम हो रहा है, दूसरी चीज यहाँ पे स्पाइनल इंजरी हो सकती है, तीसरी चीज कोई पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है, उसके बाद में सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है, और अगर हम लोग डीपली जाएंगे तो हमारा जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी लॉन्ग टर्म या फिर क्रोनिक डायबिटीज के पेशेंट जो होंगे उसमें हम लोगों को अडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा अडायनामिक हुआ, ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ डिपेंड अपॉन द इटियोपैथोलॉजी। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग इसके टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ कब हुआ है। अगर 7 दिन के पहले हुआ है तो हम लोग उसको एक्यूट बोलते हैं, 7 दिन के या फिर 15 दिन के ऊपर हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन को तो हम लोग उसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे, या फिर कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसको कि लॉन्ग टर्म के लिए हमने मेडिकल मैनेजमेंट देके उसका ऑब्स्ट्रक्शन कम किया है और आगे चल के कोई पहले पार्शियल होगा आगे चल के वो कम्प्लीट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और वो जो एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन था तो वो रिलीव होके कुछ दिन तक रहा, उसके बाद में फिर से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट ऑन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब पेशेंट तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन का है लेकिन अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेंट लेके आया है लेकिन वो सीवियर टाइप है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट ऑन क्रोनिक। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज क्या हो सकती है, यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लोज लूप हो सकता है, उसको भी समझेंगे। पहला टाइप क्या है, एक्यूट है। एक्यूट में जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो स्मॉल बॉयल कॉमन होता है, जो भी एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट मिलेंगे आपको उसमें स्मॉल बॉयल का ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो लार्ज बॉयल होता है वो एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट कम आते हैं। दूसरा होता है क्रोनिक। अब क्रोनिक का मतलब क्या है, कोई पेशेंट आपके पास आया एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन लेके लेकिन उसका ऑब्स्ट्रक्शन मान लो पार्शियल है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम लोग जनरली जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है वो प्रीफर नहीं करते, मेडिकल मैनेजमेंट करके हम लोग उसको रिलीव करने की कोशिश करते। अगर वो रिलीव हुआ पेशेंट घर पे जाएगा वापस, उसके बाद में कुछ दिन के बाद उसको फिर से ऑब्स्ट्रक्शन या फिर पेन की कंप्लेंट होगी एब्डोमिनल पेन, तो वो अगर 15 दिन के ऊपर या फिर 21 दिन के ऊपर अगर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तीसरा होता है एक्यूट ऑन क्रोनिक। मान लो ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है लेकिन अभी जो आया पेशेंट कंप्लेंट लेके वो एक्यूट कंडीशन में आया है। ठीक है, एक्यूट कंडीशन में है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, एब्डोमिनल पेन है, वोमिटिंग है, तो ऐसे पेशेंट में अब जो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग एक्यूट ऑन क्रोनिक का नाम देते। ठीक है, एक्यूट ऑन क्रोनिक मतलब क्रोनिक तो है लेकिन अभी जो कंडीशन आई वो एक्यूट है, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है जनरली ये लार्ज बॉयल में होता है। तो हमने दो चीज यहाँ पे सीखी, एक तो एक्यूट किस में होता है स्मॉल बॉयल में, और एक्यूट ऑन क्रोनिक किस में होता है, क्रोनिक पे जो पेशेंट होते हैं उसमें एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन अगर हुआ तो मोस्टली लार्ज बॉयल का होता है। ठीक है, चौथा टाइप आता है यहाँ पे क्लोज लूप ऑपरेशन ऑब्स्ट्रक्शन। जब क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग कहते हैं उसमें मतलब क्या है, ये हमारे बॉवेल यहाँ पर है ऐसे समझो, ये पूरा लूप है। ठीक है, और यही बॉवेल ये बॉवेल वॉल है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से मान लो ट्विस्ट है। ठीक है, यहाँ पर इसका टर्न है, अगर यहां पर कोई बैंड की वजह से, कोई बैंड या फिर कोई और एडिजेंस की वजह से ये जो दो लूप है, ये एक लूप हुआ ये एक लूप हुआ। ठीक है, तो ये दो लूप यहां पर एक ही बैंड से यहां पर ऑब्स्ट्रक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक असेंडिंग लूप मान लो एक डिसेंडिंग लूप मान लो, तो ये जो दो लूप है दोनों एक ही बैंड की वजह से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो होगा क्या कि ये जो बीच वाला लूप है ये पूरा क्लोज हो जाएगा और इसमें हम लोगों को डायलेशन दिखेगा या फिर हम लोग इसको बल्जिंग कह सकते हैं। तो इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ उसको हम लोग कहते हैं क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। क्लोज लूप का मतलब क्या है, ये जो लूप है ये पूरा क्लोज हो चुका है ड्यू टू बैंड और एडिशन। ठीक है, तो ये हुए हमारे टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के बेसिस पे चार सब टाइप्स। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो टाइप आता है वो होता है डिपेंडिंग ऑन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, वो एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ। तो पहला है प्रॉक्सिमल स्मॉल बॉल,
प्रॉक्सिमल स्मॉल बॉयल में मतलब कहाँ पे होगा, एक तो ड्यूओडेनम में होगा या फिर जेजुनम में होगा, ठीक है। ड्यूओडेनम और जेजुनम में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा होता है डिस्टल बॉयल, जिसमें हम लोगों को आइलियम में ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। और तीसरा होता है जो लार्ज बॉयल का होता है। जो प्रॉक्सिमल बॉयल होता है मोस्टली इसमें क्या क्या पैथोलॉजी हो सकती है, एक तो कोई कंजेनेटल एनोमली होगी जिसमें हम लोग एट्रेजिया कह सकते हैं, कंजेनेटल एनोमली, जैसे कि हमारा ड्यूओडेनल एट्रेजिया होता है, ड्यूओडेनल एट्रेजिया हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे ड्यूओडेनम में आ सकता है। इसके बाद में अगर हम लोग जेजुनम में देखेंगे तो स्मॉल बॉयल में अगर कॉमनली कॉज क्या हो सकता है, ये जो अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट होते हैं उसमें हमारा जेजुनम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लास्ट में मतलब डिस्टल पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो मोस्टली हमारे आइलियम में होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और लार्ज बॉयल में यहाँ पर होने के क्या, यहाँ पर आइलियम में पहले देखते हैं कि आइलियम में हम लोगों को क्या क्या कॉज हो सकता है। तो क्रॉन्स डिसीज होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है या फिर स्ट्रिक्चर हो सकता है, ठीक है। ये पैथोलॉजी यहाँ पर हम लोगों को देखने मिल सकती है। लार्ज बॉयल में अगर हम लोग देखेंगे तो वल्वुलस मोस्ट कॉमन हो सकता है, उसके बाद में मैलिग्नेंसी हो सकती है या फिर कोई एनोरेक्टल पैथोलॉजी है, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन या फिर मैलिग्नेंसी, ये जो कुछ कॉमन कॉजेस है हम लोगों को लार्ज बॉयल के ऑब्स्ट्रक्शन में हम लोगों को देखने मिलते हैं, ठीक है। तो ये टाइप हुआ हमारा साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के बेसिस पे, प्रॉक्सिमल स्मॉल बॉयल में, डिस्टल स्मॉल बॉयल में और लार्ज बॉयल में, ठीक है। इसके बाद में समझते हैं चौथा टाइप जो हम लोगों को कंजेनाइटल और एक्वायर्ड कहलाने के बाद, ठीक है। तो कंजेनाइटल और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस होगा, जो हम लोगों को कोई कंजेनाइटल कंडीशन जैसे कि हमारे एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन होता है, ठीक है, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन जहां पे हमारा एनल ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होगा, फॉर्मेशन ड्यूओडेनल एट्रेजिया है, आइलियम में कभी कभी एट्रेजिया हम लोगों को मिलता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, ड्यूओडेनल एट्रेजिया, आइलियल एट्रेजिया, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, मालफॉर्मेशन, उसके बाद में वल्यूलस, वल्यूलस नियोनेटम, ठीक है, बैंड फॉर्मेशन हो सकता है, बैंड फॉर्मेशन, माल रोटेशन हो सकता है, माल रोटेशन हो सकता है, या फिर कंजेनाइटल मेगा कॉलन हो सकता है, कंजेनाइटल मेगा कॉलन, ठीक है। तो ये पूरे जो डिसीजेस की लिस्ट है ये पूरे कंजेनाइटल एनोमलीज में आता है। एक तो ड्यूओडेनल एट्रेजिया होगा, आइलियल एट्रेजिया हो सकता है, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन जिसमें हम लोगों को एनल ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसे टाइप में भी हम लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा, वॉल्यूलस न्यूनेटम हो सकता है, उसके बाद में बैंड फॉर्मेशन हो सकता है, माल रोटेशन हो सकता है, कंजेनाइटल मेगाकोलम भी हो सकता है। तो ये पूरे पैथोलॉजी जो है हम लोगों को कंजेनाइटल कंडीशन में मिलेंगे और ऐसे टाइप में जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं कंजेनाइटल इंट्रास्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एक्वर्ड, एक्वर्ड में पूरे डिसीजेज जो आएंगे जो हमने अभी तक पढ़े, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, मैलिग्नेंसी है, ठीक है, मैलिग्नेंसी है जिसमें हम लोगों को ट्यूमर फॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या पर ही हमने, क्रॉन्स डिसीज हो सकता है, ठीक है, कोई गॉलस्टोन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ये जो पूरे पैथोलॉजी है ये पूरे एक्वायर्ड पैथोलॉजी है, ठीक है। मतलब हमारी अर्ली लाइफ को छोड़ के जो बाद वाली लाइफ होगी, एडल्ट लाइफ मान लो या फिर चाइल्ड लाइफ मान लो, उसमें होगी तो उसमें हम लोगों को ये एक्वायर्ड कंडीशन में दिखते हैं, इसलिए इसको हम लोग एक्वायर्ड टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने चार टाइप देखे ऑब्स्ट्रक्शन के, टाइप्स में हम लोगों को पहला क्या देखा हमने, एक तो डायनेमिक और अडायनेमिक, उसकी पैथोलॉजी या फिर इटियोपैथोलॉजी पे डिपेंड करता है, ठीक है, डायनेमिक और अडायनेमिक,
ठीक है। दूसरा टाइप देखा हमने उसके क्लासिफिकेशन का, टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पे, वो क्या था, एक्यूट था, क्रोनिक, एक्यूट ऑन क्रोनिक, और चौथा था हमारा क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। तीसरा टाइप क्या देखा हमने, इसके साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा, साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा है। पहला देखा हमने, एक तो प्रॉक्सिमल स्मॉल बॉवेल, दूसरा देखा हमने डिस्टल स्मॉल बॉवेल, और तीसरा देखा हमने लार्ज बॉवेल, ठीक है। और चौथा टाइप देखा हमने एक्वायर्ड और कंजेनाइटल, ठीक है। तो ये चार टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आपको पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में भी इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारा डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में हम लोगों को एक चीज तो समझ में आई कि कहीं मैकेनिकल ब्लॉकेज हो चुका है, कोई यहाँ पर बॉवेल की लूमेन है, यहाँ पर कोई चीज फंसने की वजह से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, या फिर हमारे बॉवेल वॉल में पैथोलॉजी है, या फिर कहीं और से इस पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर मैकेनिकल ब्लॉकेज हो रहा है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। और जहां पे बॉवल मूवमेंट कीज हो रही है, बंद हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं अडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो अडायनामिक और डायनामिक में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि डायनामिक में मैकेनिकल ब्लॉकेज दिखेगा, अडायनामिक में आपको कोई और कॉज दिखेगा, जैसे कि स्पाइनल इंजरी, या फिर हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है, कोई पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है, या फिर कोई पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी का जो पेशेंट होगा, बेडेड होगा, उसकी वजह से हुआ है। तो ऐसे कॉजेस हम लोगों को अडायनामिक में मिलेंगे। तो डायनामिक है, इट इज अ मैकेनिकल ब्लॉकेज ऑफ नॉर्मल प्रोपल्शन एंड पैसेज ऑफ द इंटरस्टाइनल कंटेंट, जो भी हमारा इंटरस्टाइनल कंटेंट है उसका नॉर्मल प्रोपल्शन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मैकेनिकल ब्लॉकेज मिलते हैं, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है कैसे हो सकता है, तो इंटरनल और या फिर एक्सटर्नल हो सकता है। एक्सटर्नल में जैसे बताया कि मैंने कोई हर्निया हो सकता है, इंटरनल में क्या पैथोलॉजी बताया, क्रॉन्स डिसीज है, या फिर हमारे जो बॉयल वॉल में होने वाला हमारा इंटरस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर कोई मैलेग्नेंसी है, ऐसे जो डिसीज होंगे वो इंटरनली कहलाएंगे। तो ये एक्सटर्नल कॉज हुआ, इंटरनल कॉज हुआ। और क्या हो सकता है, पार्शियल और कम्प्लीट हो सकता है। दूसरा टाइप हो सकता है इसका, पार्शियल और कम्प्लीट। पार्शियल में क्या होगा, जो लुमेन होगी वो इनकम्प्लीट ब्लॉक होगा, और जो कम्प्लीट ब्लॉकेज होगा उसमें हमारा लुमेन है जो पूरा 100% ब्लॉक होगा, ठीक है। दूसरा और क्या यहाँ पे टाइप हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, स्मॉल बॉल में जो हमने देखा कि स्मॉल बॉल के जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं वो एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। दूसरा एक्यूट ऑन क्रोनिक हो सकता है, या फिर क्रोनिक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या हो सकता है, इट कैन बी सिंपल और क्लोज लूप और स्ट्रैंगुलेशन। तो इसमें डिफरेंस क्या है, सिंपल मतलब क्या है, बॉवेल लूमेन में यहाँ पर हम लोगों को सिंपल है कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई मैकेनिकल ब्लॉक दिखे। दूसरा चीज क्या है, क्लोज लूप हो सकता है। क्लोज लूप का जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको बताया कि यहाँ पे दो बॉवेल के जो हमारे लूप्स होंगे एक ही चीज की वजह से, यहाँ पर बैंड फॉर्मेशन की वजह से ये जो लूप बना ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे क्लोज लूप। अब होता क्या है कि जहां पे ये बैंड बना कभी कभी मान लो ये बैंड और टाइट हो गया, तो होगा क्या कि ये जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई है पूरा फ्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैंगुलेशन, यहाँ पे नेक्रोसिस होगा, कम्प्लीटली नेक्रोसिस अगर होगा तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड इंटरस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर इसको सिंपली स्ट्रैंगुलेशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन सिंपल भी हो सकता है, क्लोज लूप हो सकता है, या फिर वो स्ट्रैंगुलेशन भी हम लोगों को मिल सकता है। तीसरी चीज क्या हो सकती है यहाँ पे, दूसरा अगर हम लोग देखें कंजेनाइटल हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, उसमें और क्या टाइप है, प्रॉक्सिमल हो सकता है जैसे कि हमने स्मॉल बॉल में देखा, डिस्टल हो सकता है, तो जेजुनम में होगा, या फिर हमारे लार्ज बॉल में हो सकता है। तो ये जो सब टाइप आते हैं हमारे अडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन के, तो पेशेंट में हम लोगों को इसमें से कोई भी पैथोलॉजी दिख सकती है। क्या क्या चीज हमने समझी, एक तो एक्सटर्नल कॉज होगा, इंटरनल कॉज हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, कम्प्लीट हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक हो सकता है, या फिर क्रॉनिक भी हो सकता है, सिंपल हो सकता है, क्लोज लूप हो सकता है, इट कैन बी स्ट्रैंगुलेटेड, ठीक है, इट कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, इट कैन बी प्रॉक्सिमल और डिस्टल आल्सो, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन का यहाँ पे सब टाइप हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोग पहले देखते हैं जो स्टडीज हुए हैं, उस स्टडीज में इतना पाया गया था कि जो हमारा इंटरस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें ज्यादातर कॉज क्या है, पहले कॉज होता था हर्निया, जो हमारे हर्निया के पेशेंट होंगे उसके जो सैक बनती है, जो हमने हर्निया के लेक्चर में पढ़ा है, उसमें कोई बॉवेल फंसा है
और वो बॉयल यहाँ पे स्ट्रांगुलेट हो चुका है, और स्ट्रांगुलेशन की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे बॉयल नेक्रोसिस भी हो सकता है। तो ये जो हर्निया के टाइप्स थे इसका जो प्रमाण था, इसका जो इंसिडेंस था वो ज्यादा था इंटरस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में। लेकिन कुछ स्टडीज इसके बाद में और हुए, जैसे जैसे हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है वो स्टडीज करते गए, और लास्ट में एक फाइंडिंग मिली कि जो हमारे एडिजेंस के पेशेंट है वो हर्निया से भी और बढ़ गए। इसका मतलब है कि अगर कॉमन कॉज देखेंगे हम लोग हमारे ऑब्स्ट्रक्शन का, तो एडिजेंस ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू हर्निया। ठीक है, तो मैकेनिकल कॉजेस में अगर हम लोग देखते हैं तो पहला हम लोगों को एडिजेंस मिलता है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है हर्निया। ठीक है, तो यहाँ पे अर्लियर हर्निया वो द कॉमनेस्ट कॉज फॉर द इंटरस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नाउअडेज एडिजेंस that is the adhesions due to the previous surgery, adhesions due to band formation, ठीक है। तो adhesion का कॉज कुछ भी हो सकता है, उसमें हम लोगों को परसेंटेज वाइज या फिर इंसिडेंस अगर देखेंगे इट कैन बी 40%। ठीक है, एंड आर द कॉमनेस्ट कॉज स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड हर्निया बींग 15-25% कॉमन। इसका मतलब है फर्स्ट कॉमन है हमारा adhesions, सेकेंड कॉमन है हमारा हर्निया। ऑब्स्ट्रक्शन के पीछे अगर दो कॉज देखेंगे तो एडिजेंस और हर्निया हम लोगों को कॉमन देखते हैं। ठीक है, एडिजेंस कॉमनली कॉज स्मॉल बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन देन लार्ज बॉयल। इसका मतलब है कि जब हम लोग एडिजेंस के पेशेंट देखते हैं तो हम लोगों को ज्यादातर उसमें स्मॉल बॉयल का ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है एज कम्पेयर टू लार्ज बॉयल। लार्ज बॉयल में ज्यादातर हमारे जो पैथोलॉजी होते हैं वॉल्यूलस हो सकता है, मैलिग्नेंसी होती है। तो इसका मतलब है कि जो एडिजेंस होंगे वो ज्यादा स्मॉल बॉयल। ठीक है, 80% ऑफ इंटरस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑकर्स इन द स्मॉल बॉयल। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट आपको जितने भी देखने मिलेंगे उसमें से 80% जो होते हैं वो स्मॉल बॉयल के होते हैं, रिमेनिंग 20% जो होंगे वो हमारे कोलॉन के होंगे। ठीक है, वो हमारे कोलॉन के होंगे। और जो कोलॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका मतलब जो लार्ज बॉयल का ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि 20% है, उसमें अगर हम लोग और परसेंटेज डिवाइड करेंगे तो 70% जो लार्ज बॉयल के पेशेंट होते हैं उसमें हम लोगों को मैलिग्नेंसी कॉमन मिलती है। उसमें हम लोगों को मैलिग्नेंसी ये फैक्टर कॉमन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि स्मॉल बॉयल में 80% ऑब्स्ट्रक्शन लेकिन 20% हमारे कोलॉन में, और जो 20% कोलॉन है उसमें भी 70% मैलिग्नेंसी है, और बाकी के जो 30% है वो बाकी के कॉज हो सकते हैं जैसे कि इंटोससेप्शन या फिर वल्व्यूलस है। ठीक है, एनोरेक्टल पैथोलॉजीज हो सकती है कोई, ठीक है, क्रॉस डिसीज हो सकता है। तो ये जो पैथोलॉजीज है ये 30% है लेकिन 70% मैलिग्नेंट पेशेंट है। ठीक है, अदर 30% क्या है, वल्व्यूलस है, डायवर्टिकुलाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी कॉजेज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, क्रॉस डिसीज है, ये कॉजेस हम लोगों को 30% मिलते हैं। मॉर्टिलिटी का अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो देखेंगे तो 3% ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट स्ट्रैंगुलेशन, मॉर्टिलिटी रेट अगर देखेंगे तो 3% होता है इसमें विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट स्ट्रैंगुलेशन। जिसमें स्ट्रैंगुलेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहां पर बॉयल नेक्रोसिस नहीं होगा, और बॉयल नेक्रोसिस नहीं होगा तो पेशेंट टॉक्सिनिया में नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रैंगुलेशन के बिना पेशेंट आते हैं उसमें मॉर्टेलिटी रेट होगा 3%। लेकिन जो पेशेंट विद स्ट्रैंगुलेशन आएंगे जिसमें बॉयल नेक्रोसिस हो चुका है ऐसे पेशेंट में 30% मॉर्टेलिटी रेट है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा विदाउट स्ट्रैंगुलेशन वाला ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि इसका मॉर्टेलिटी रेट है 3%। 100 में से कोई 3 पेशेंट आपके यहाँ पे एक्सपायर हो सकते हैं या फिर बैड हो सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट स्ट्रैंगुलेशन में आएंगे, नेक्रोसिस में आएंगे, ऐसे पेशेंट में आपको 30% मॉर्टेलिटी के चांसेस होते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई पेशेंट ऐसा देखो जिसमें आपको स्ट्रैंगुलेशन मिल रहा है, पहले रिलेटिव की अच्छे से काउंसलिंग करना कि पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, ऑपरेशन का यहाँ पे जो भी रिस्क फैक्टर है पहले बता देना है, उसके बाद में आप लोग ऑपरेशन के लिए उसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे जो रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अब कोई पेशेंट ऐसा होगा जिसमें LSS हुआ है, हिस्टेरेक्टॉमी हुआ है, ऐसे पेशेंट में हम लोगों को कॉमनली एडिजेंस तो मिलते हैं, ये तो देखा। लेकिन कोई पेशेंट ऐसा होगा जिसमें ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और ऑब्स्ट्रक्शन का यहाँ पे ऑपरेटिव हो चुका है, मतलब लैब्रोटॉमी हो चुकी है या फिर इंटरस्टाइनल में हम लोग जो आर ए मतलब जो हमारा रिसेक्शन एनास्टोमोसिस हम लोग करते हैं, उसके बाद में कोई पेशेंट ऐसा आएगा कि उसमें फिर से ऑब्स्ट्रक्शन और वो कोई एरिया और हो सकता है, जैसे कि कोई स्मॉल बॉयल पहला होगा तो लार्ज बॉयल में हो सकता है, अगर मान लो पहले लार्ज बॉयल में हुआ था अभी स्मॉल बॉयल में हो सकता है। तो जो रिकरेंट के पेशेंट आते हैं उसमें अगर हम लोग मोस्ट कॉमन कॉज देखेंगे तो वो एडिजेंस,
ठीक है। तो रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन इज मोर कॉमन इन द एडिजंस, तो इसे भी एडिजंस अगर होंगे वहां पे तो रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। अब इसके अगर हम लोग पैथोलॉजी समझेंगे तो पैथोलॉजी में क्या क्या है यहाँ पर, पहले देखेंगे इसके प्रॉक्सिमल बोवेल में या फिर प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ये जो पार्ट था यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसके प्रॉक्सिमली जो पार्ट आता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हम लोगों को दिखेंगे। तो पहले होगा इंट्रास्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। Thank you.